पुष्कर रोड स्थित गोविंदम समारोह स्थल पर बीती रात आयोजित शादी समारोह के दौरान किसी शातिर ने वर पक्ष के रिश्तेदार का बैग चुरा लिया। चुराए गए बैग में दुल्हन के करीब 8 लाख रुपए के आभूषण और 2 लाख रुपए नकदी थी। उसरी गेट निवासी परमेश्वरी ने बताया कि बेटे जॉनी की शादी जतोई दरबार में थी, उसके बाद रिसेप्शन गोविंदम समारोह स्थल पर रखा था। समारोह के दौरान नजर चूकते ही किसी शातिर ने बैग चुरा लिया। बैग चोरी होने के बाद वर पक्ष के लोगों ने समारोह स्थल पर पड़ताल भी की, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। इसके बाद गंज थाना पुलिस को सूचना दी गई। तैयार वर होके नीचे आए, मैं नीचे आके बैठी थी, आ गए गेस्ट, आ गए मिलने के लिए, उनसे बात कर दी। एक मिनट के लिए मैंने पर्स नीचे रख के थोड़ी साड़ी ठीक की, उसी टाइम उधर मुंह किया और दोनों पर्स गायब। वो चूड़ियां थी, कंगन थे, टॉप्स थे और गले की चैन थी, 3-4 अंगूठियां थी, काफी सामान था जो हमने भी उतार के उसमें वो रखा थे। मेरी बहन ने उतार के घर की चाबियां दी, करीबन 2-2.5 लाख रुपए कैश थे। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि समारोह स्थल लोगों से समारोह के लिए मुंह मांगे दाम वसूलते हैं, लेकिन सुविधाओं के नाम पर कुछ नहीं देते। इतने बड़े समारोह स्थल पर सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे होना सुरक्षा में बड़ी खामी। कुछ महीनों के अंदर काफी सारी घटनाएं हुई है ऐसी, ये तो उन्हें इस चीज के लिए सीसीटीवी कैमराज और ये वीडियो रिकॉर्डिंग और फुटेज रखनी चाहिए। ये तो समारोह स्थल की बात है, लापरवाही है, ये उन्हें रखना चाहिए। वो इतना अच्छा खासा किराया हमसे लेते हैं, तो इस एवज में हमें सिक्योरिटी और सुरक्षा तो उन्हें प्रदान करनी ही चाहिए, जिसके चलते हुए कल हमारे साथ घटना हुई और 1 सेकंड की चूक में हमारा काफी लाखों का नुकसान। दरगाह थाना अंतर्गत नला बाजार स्थित अग्रवाल स्वीट्स पर गत 24 मई की रात दुकान मालिक और नौकर के बीच हुई मारपीट के बाद नौकर ने जहरीली वस्तु का सेवन कर खुदकुशी कर ली। नौकर की मौत के आरोप में दरगाह थाना पुलिस ने दुकान मालिक और उसके भाई के विरुद्ध गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया। दरगाह थाना प्रभारी भूपेंद्र सिंह ने बताया कि आरोपी दीपक अग्रवाल और शेखर अग्रवाल नला बाजार स्थित अग्रवाल स्वीट्स का संचालन करते हैं। दुकान पर काम करने वाले नौकर तिलोरा निवासी पुखराज रावत के साथ रुपए के लेनदेन की बात को लेकर दोनों भाइयों ने उसके साथ मारपीट की। इस बात से गुस्सा है पुखराज ने जहरीली वस्तु खा ली, जिससे इलाज के दौरान पुखराज की मौत हो गई। गत 24 मई को यहाँ नला बाजार में अग्रवाल स्वीटों में वहाँ पर एक कर्मचारी पुखराज है जो तिलोरा का रहने वाला, उसकी मृत्यु हो गई थी, जिसको JLN में पोस्टमार्टम कराए। उसके दौरान मृतक के परिजनों ने एक रिपोर्ट दी कि उसके दुकान मालिकों ने उसके साथ मारपीट की तथा जबरदस्ती उसको जहर पिलाया और जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। वो काम छोड़ के जाना चाहता था मगर उसने जबरदस्ती उसको रोके रखा तथा उससे मारपीट की तथा उससे जबरदस्ती स्टाम्प पेपर लिखवाने की कोशिश कर रहे थे, जिसकी वजह से प्रताड़ित होकर उसने अपनी खुद ही जहर पी के आत्महत्या कर ली तथा उसकी मौत हो गई, जिसपे हमने उन्हें दोनों दुकान मालिक शेखर अग्रवाल और दीपक अग्रवाल को हमने आज गिरफ्तार कर लिया तथा उनसे पूछताछ जारी है। मृतक के वारिसान को इसकी सूचना दे दी गई है और मृतक का पोस्टमार्टम कराया।